हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मर्तसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं SEM रश टूल की सीरीज। देखेंगे कि SEM रश पे टूल किस तरीके से काम करता है, एक एक चीज को उसकी डिस्कस करने वाले हम लोग, एक एक फीचर को उसकी डिस्कस करने वाले हूँ। बट गाइज, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी तक हम बात करें SEO वर्ल्ड में, तो SEO वर्ल्ड में जो तीन सबसे पॉपुलर टूल्स हैं वो है मॉज, SEM रश और RFs। ये तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल्स हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल्स हैं SEO कम्युनिटी में। बहुत से लोग इनको परचेज करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो मैंने RFs के बारे में तो आपको बताया, बट थोड़ा सा अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं इस वीडियो के शुरुआत में ही, तो और ज्यादा आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने तीनों टूल्स के ऊपर काम किया है, तीनों टूल्स पे कीवर्ड रिसर्च की है, बैकलिंक की एनालिसिस की है, कॉम्पिटिटर रिसर्च की। तो जो इनका ओवरलैपिंग फंक्शंस है, यानी जैसे कीवर्ड रिसर्च सब में ही होता है, कॉम्पिटिटर रिसर्च सब में होता है, बैकलिंक एनालिसिस, बैकलिंक की प्रोफाइल सब में होता है, साइट ऑडिट भी सब में ही होता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें शुरुआत की मैंने बताई, कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, या डोमेन एनालिसिस है पूरी, कॉम्पिटिटर रिसर्च है, कंटेंट को लेकर थोड़ी सी बात करी जाए तो कंटेंट एक्सप्लोरर, कंटेंट रिसर्च, ये सारे फंक्शंस हैं, ये लगभग सब में सेम है। इसमें कुछ भी ज्यादा प्लस माइनस नहीं, यानी कि यहाँ के बेसिस पे अगर मैं नंबर देना शुरू करूँ तो सारे टूल्स को बराबर ही मार्क्स दूंगा, कोई अप या डाउन नहीं है। बट एक चीज है जो यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है साइट ऑडिट का, ठीक है, जो टेक्निकल वेबसाइट का ऑडिट होता है उसका जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये तीनों ही टूल्स उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। इन्फॉर्मेशन जरूर आपको देते हैं, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट ये टूल्स ज्यादा जो है काम करते हैं जब आप कीवर्ड रिसर्च या कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हो या बैकलिंक की एनालिसिस कर रहे हो। उन तीनों में, इन तीनों टूल्स को देखा जाए तो ठीक ही है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तीनों ही टूल्स में एक ही जैसे काम करते हैं। थोड़ा सा अगर हम पीपीसी की तरफ जो है इंक्लाइन हो जाए, पीपीसी मॉडल्स को थोड़ा समझें, या हम अगर इस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, पीपीसी बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स की, ठीक है, तो उस केस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज मिल जाती है SEM रश को। मैं कहूंगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज SEM रश को मिल जाती है RFs के कंपैरिजन में, ठीक है। मॉज की बात करें तो मॉज का जो लर्निंग सेंटर है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, यानी कि मॉज के जो वीडियोज हैं, मॉज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, वहां से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब साइट ऑडिट की मैं आपको बात बताऊं अगर, तो साइट ऑडिट के लिए मैं यही प्रिफर करता हूं कि भाई आपके जो बिल्कुल अलग से साइट ऑडिट के टूल्स हैं, ठीक है, जैसे डीप क्रॉल हो गया, स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया, इस टाइप से जो उसी पर्पज के लिए बने, अगर आप उनको यूज करेंगे तो ज्यादा आपको सही लगेगा। अदरवाइज अगर आप इसको भी यूज करें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल वे में या एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में जहां पर ये फिजिबिलिटी होती है कि आप मल्टीपल टूल्स पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल पेड टूल्स के ऊपर काम करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उनको जो सेपरेट टूल्स हैं, ठीक है, जो उसी के लिए डेडिकेटेड टूल्स हैं, जो साइट ऑडिट के लिए बने हैं, टेक्निकल SEO के लिए बने हैं, उन पे अगर आप काम करेंगे तो वो ज्यादा आपको डिटेल देंगे इन तीनों कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत में मुझे लगा कि ये चीज आपको बता दीजिए, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे कि SEM रश का डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है। और इस पूरी सीरीज को आप लोग पूरा एंड तक फॉलो करिएगा, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आपको, बहुत सी चीजें समझ में आने लगेंगे इससे। तो सबसे पहले जब आप SEM रश पे जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा, जिस तरीके से हम RFs में प्रोजेक्ट ऐड कर सकते थे, यहां पर भी आप प्रोजेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूँ यहाँ पर कीवर्ड एनालिसिस से, तो इस वाले सेक्शन को पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। कीवर्ड एनालिसिस का जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसको हम लोग स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं, ओवरव्यू से शुरू करेंगे, ओवरव्यू पे जाएंगे और जो भी हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो हम यहाँ पर देना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कीवर्ड लिखा डिजिटल मार्केटिंग और इसको करते हैं हम लोग सर्च, तो ये एक ओवरव्यू रिपोर्ट हमको दे देगा, यहाँ पर एक ओवरव्यू एनालिसिस दे देगा शुरुआत में, और एक छोटा सा फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनके बेसिस पे आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हो, फिर नीचे आपको पूरी डेटा दिखेगी। अभी ये बहुत डीप डेटा नहीं है, डीप डेटा के लिए आपको ये कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी ओवरव्यू टाइप का है, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च का वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ रिजल्ट कितने आते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है, और इनको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, जैसे ये अक्टूबर 23 है इसको मैं कर देता हूँ August 2019, ठीक है। तो ये डेट मैंने चेंज कर दी, डिवाइस डेस्कटॉप ही रखते हैं अभी, ठीक है, डेस्कटॉप मोबाइल का ऑप्शन है, हम सर्चेस जो है डेस्कटॉप के लिए रखते हैं अभी, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेटाबेस इंडिया का ही है और करेंसी INR है, ठीक है। सो अभी आप देख रहे हैं तो ये आपको ऑर्गेनिक सर्च मिलेगी और यहाँ पर पेड सर्च मिल रहा है, ठीक है। तो पेड सर्च का CPC और कॉम्पिटिशन दिख रहा है। अब कॉम्पिटिशन की बात करूं तो जो कॉम्पिटिशन की ये विंडो है, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन का इंडेक्स है वो 1 तक जाता है, यानी 1 मैक्सिमम कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, 0.01 से शुरू होता है और ये 1 तक जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि कितना
कॉम्पिटिशन है इसके ऊपर, जब हम पेड कैंपेन्स में जाते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड सजेशंस कितने हैं, यहाँ पर इतने सारे कीवर्ड सजेशंस दिए हुए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी आएंगे इन सब चीजों के ऊपर भी डीप में आएंगे। फ्रेज मैच कीवर्ड्स हैं ये इतने, जिसमें फ्रेज मैच होता है, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग आनी आना चाहिए। जैसे हमारा कीवर्ड है ना, इसमें फ्रेज मैच में अगर हम इसको रखेंगे तो उस क्वेरी में डिजिटल मार्केटिंग एज अ कीवर्ड आना ही आना चाहिए। तो वो ये कीवर्ड है, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं यहाँ पर 313 आपके पास रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इन पे आप जाएंगे तो इन रिलेटेड कीवर्ड्स की फुल आपको स्टैट मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा एज इसको मिल जाती है पीपीसी बेस जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एड कॉपीज वगैरह आपको दिख रही है। ठीक है, अगस्त में इस कीवर्ड के ऊपर किस तरीके की एड कॉपीज थी, कहां से एड ट्रिगर हो रहे थे, ये सारी चीज आपको दिख रही, एड हिस्ट्री दिख रही है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट दिख रहे हैं, यानी कि हम कहें एसईआरपीज की डिटेल आपको दिख रही है। तो यहाँ पर आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, 1 to 20 आपको देखना है, 21 to 40 देखना है, कितने रिजल्ट्स देखने, कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पर देखने आपको ऑर्गेनिक, वो आप देख सकते हैं। तो एक तो बेसिक सा ओवरव्यू हो गया, यहाँ पर छोटे से फिल्टर्स आपने लगा दिए। अब चलते हैं इसके थोड़े से डिटेल्ड जो रिसर्च टूल है उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड मैजिक टूल। इसमें हम लोग जाएंगे और यहाँ से अच्छी खासी रिसर्च होती है कीवर्ड की। ठीक है, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्टेड है, इंडिया लोकेशन सिलेक्टेड है, न्यू लिस्ट आप बना सकते हैं इस पे, चाहे तो जो आपकी पुरानी लिस्ट है उस पे भी काम कर सकते हैं इस कीवर्ड के साथ। तो हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे और नई लिस्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है अपने कीवर्ड के बारे में, अपने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो आप बाई नंबर देख सकते हो कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बाई नंबर्स, बाई वॉल्यूम देख सकते हो, जो सर्च वॉल्यूम है उसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि क्या जो है कीवर्ड्स वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड था वो यहाँ पर आ गया, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, और उसके साथ उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो आ गए हमारे। और यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन है जिसमें आप कीवर्ड एनालाइजर में इसको ऐड कर सकते हैं। अब कीवर्ड एनालाइजर अभी आने वाला है कि मैं बताऊंगा उसको कि वो क्या होता है। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ट्रेंड दिया हुआ है ओवर द टाइम, कीवर्ड डिफिकल्टी का परसेंटेज दिया हुआ है, तो 100% का मतलब ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी बेसिकली, और फिर ये बाकी जो है थोड़ा सा रेशियो आप समझ ही सकते हैं कि 0 से 100% के बीच में किस तरीके से काम करता है। कॉस्ट पर क्लिक यूएसडी है, सॉर्टिंग का सब में सारे ही चीजों में, सारे कॉलम्स में आप देखेंगे सॉर्टिंग का ऑप्शन है, आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद कंपटीशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी अलग चीज होती है और कंपटीशन अलग चीज होता है। तो कंपटीशन यहाँ पर दिया हुआ है वो 0.62 है। जो हमारे एसईआरपी फीचर्स हैं उनमें कितने एलिमेंट्स दिखते हैं इस कीवर्ड के ऊपर वो भी दिख रहा है हमें। तो एसईआरपी में नॉलेज पैनल दिखता है, लोकल पैक दिखता है, टॉप स्टोरीज, रिव्यूज और फीचर स्नैपेट, ये पांच जो है एसईआरपी फीचर्स हमें दिखती है। और उसके बाद रिजल्ट्स इन एसईआरपी कितने मिल रहे हैं, 3.7 बिलियन रिजल्ट्स मिलते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये तो हो गई एक जनरल सी एनालिसिस। और यहाँ पर बहुत ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि आरएस में था उनके भी फिल्टर बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, ये फिल्टर्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर ब्रॉड मैच सिलेक्टेड, आप चाहे तो फ्रेज मैच ले सकते हैं, चाहे तो एग्जैक्ट मैच ले सकते हैं। फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस होता है, फ्रेज मैच में क्या होता है कि वो कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ क्वेरी में होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, बट कहीं पर भी हो सकता है, उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट वही कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक्चुअली जो हम देख रहे हैं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अभी आप देखेंगे एग्जैक्ट मैच में मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और फिर रिलेटेड कीवर्ड्स की पूरी डिटेल है यहाँ पर, तो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट करने की। ये तो हो गया कीवर्ड की थोड़ी बहुत एनालिसिस चल रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना एक बड़ा सा कीवर्ड डाला, अपना सीड कीवर्ड डाला, और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये सारी मैट्रिसेस हैं, इनके बेसिस पे हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, बट डिसीजन लेने से पहले भी हम कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पर डेटा तो बहुत ज्यादा है ना, हजारों कीवर्ड्स हैं, लाखों कीवर्ड्स हैं। अब इनमें से कुछ आपको निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने 20 निकाल लिए, उनको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, फिर से उनको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो हम एक अच्छे जो है रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएंगे, जो अपना जिस तरीके का हम कीवर्ड चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे कि मैं डिजिटल एंड मार्केटिंग ये दिया हुआ है रिलेटेड में, पहले चलते हैं ब्रॉड मैच में एक बार और कुछ कीवर्ड्स यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो जितना आप एक्यूरेट अपना कीवर्ड चाहते हो, ठीक है, अब देखो ये ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच हमारे कहाँ पर काम आते हैं, अगर आप अपने कीवर्ड के लिए बहुत कंफर्म हो या आपके कीवर्ड का वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा सर्चेज होती है उस कीवर्ड के ऊपर, तब फिर आप उसको नैरो करते चले जाओ, आप फ्रेज मैच पे जाओ, आप एग्जैक्ट मैच पे जाओ। बट अगर आपके कीवर्ड की सर्चेज ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम सर्चेज हैं, ठीक है, बहुत कम वॉल्यूम है, तब फिर आपको ब्रॉड मैच में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरी जगह से भी ऑडियंस पकड़ के लानी है, क्योंकि आपके कीवर्ड के ऊपर, उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन कई बार बहुत बड़े वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर आप एग्जैक्ट मैच से सर्च करके अच्छे कॉम्बिनेशन बना लेते हो। तो ये बेसिक, एक बेसिक सा फंडा मैं बता रहा हूं आपको कि किस लिए ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक है,
फिल्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे तो इंक्लूड कीवर्ड्स ब्रॉड मैच में, एक्सक्लूड कीवर्ड्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एक्सक्लूड कीवर्ड्स का फंडा मैं आपको बताऊं वो क्या है कि जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप जो है रैंक करना चाहते हो, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने अपना कीवर्ड ले लिया, ठीक है, अब उसको ब्रॉड मैच में भी आपने रखा है, तो क्या कोई फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करेगा तो आपका जो है लैंडिंग पेज वो नहीं रैंक हो जाएगा, वो भी रैंक हो सकता है, ठीक है, आपका जो फाइनल यूआरएल है वो भी रैंक हो सकता है, बट आप नहीं चाहते कि फ्री पे रैंक हो, ठीक है, क्योंकि आप तो पेड बेच रहे हैं, बात समझ में आई, तो ये डिफरेंसेस है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे उन कीवर्ड्स को, जैसे फ्री है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे अगर यहाँ कहीं पर भी वो दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये सब इसलिए होता है कि इसलिए आप इसे रिसर्च कर सकते हैं। वर्ड काउंट के बेसिस पर फिल्टर, वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी, कॉस्ट पर क्लिक, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी ये भी है यहाँ पर, ठीक है, एससीआरपी फीचर्स के बेसिस पर और रिजल्ट्स इन एससीआरपी के बेसिस पर, तो ये आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, इनके बेसिस पर आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारा कीवर्ड एनालाइजर है, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पर ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी ले लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने ले ली यहाँ पर, और बेसिक्स जो है हमारे वो तो वही रहते हैं कि भाई हाई वॉल्यूम चाहिए हमको, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वॉल्यूम चाहिए हमें, और जो जो कंपटीशन हो उसके ऊपर वो लो हो, ये तो बेसिक है, तो सभी लोग जानते हैं कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो वही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गए और उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे गो टू कीवर्ड एनालाइजर पर, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, एड टू कीवर्ड एनालाइजर कर देता हूँ, एड टू इसको भी कर देते हैं हम लोग एक बार, तीन चार और चार है यहाँ पर, ठीक है, चारों को कर दिया, अब गो टू कीवर्ड एनालाइजर पर जाएंगे तो हमको और डिटेल मिल जाएगा। अब वो सारे रिजल्ट्स यहाँ से गायब हो गए, अब केवल ये चार रिजल्ट्स हैं, इन पे आप एडवांस फिल्टर लगा के और ज्यादा इसमें रिसर्च कर सकते हो। दूसरी बात ये कि यहाँ से आप चाहें तो इनको दूसरे टूल्स पे भी ले जा सकते हैं, और ये रियल टाइम आपको अपडेट देता है, ठीक है, रियल टाइम आपको अपडेट देता है, तो आप इनको अपडेट मैट्रिसेस कर सकते हो सारी कीवर्ड्स के लिए, और ये अपडेट करके आपको दे देगा, ठीक है, मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपडेट मैट्रिसेस पे आप क्लिक करोगे ओनली सिलेक्टेड या ऑल कीवर्ड्स के ऊपर, तो अपडेट करके जो भी अपडेटेड मैट्रिसेस होंगी वो आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपडेटेड डेटा, जो भी रिसेंट अपडेटेड डेटा होगी वो आपको दिख जाएगा, आप चाहे तो ऐसे रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, उसके बाद जिस तरीके से भी चाहे आप उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के तीन लेवल्स आपको दिखे होंगे, ठीक है, अभी तक कीवर्ड रिसर्च के आपको तीन लेवल्स दिखे होंगे, इस चीज को ध्यान समझ लीजिएगा। एक तो हम लोगों ने ओवरव्यू में हम लोग गए थे, वहां पर हमको रफली एक आइडिया लग गया था, उसके बाद हम कीवर्ड मैजिक टूल में गए थे, और उसके बाद और ज्यादा उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग गए थे यहाँ पर कीवर्ड एनालाइजर में, ठीक है, तो ये कीवर्ड एनालाइजर है जहां से हम फाइनली फिर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने कीवर्ड्स को, जिस तरह से उन्होंने लेवल्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल और कीवर्ड एनालाइजर की बात हो गई, ये इस तरीके से काम करता है एसईएम रश में। अब देखते हैं थोड़ा सा एड हिस्ट्री और कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर, तो अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर फोकस करके थोड़ा सा आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको लगा कि यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड फाइनल किया और कीवर्ड डिफिकल्टी के बेसिस पर थोड़ी और रिसर्च करना चाहता हूँ तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी टूल को ओपन करता हूँ, डिवाइस यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्टेड है, डेटाबेस इंडिया सेलेक्टेड है, चलिए ठीक है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में टाइप करता हूँ, एक बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में टाइप कर देता हूँ, शो डिफिकल्टी पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से कीवर्ड, उसका डिफिकल्टी, उसके वॉल्यूम, रिजल्ट्स और लोकल पैक सीआरपी फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, सारी चीज दी है और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी एसआरपी इसमें किस तरीके से ये दिखती है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो एसआरपी पेज होता है, जैसे आरएफ में भी एसआरपी पेज का तो आरएफ में फंक्शन था वो यहाँ पर दिख जाता है, अभी ये कुछ एरर है शायद यहाँ पर, बट आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा, राइट। तो ये हमारा कीवर्ड था, डिफिकल्टी परसेंटेज और एसआरपी में क्या क्या दिख रहा है ये भी दिख रहा है, दो चीजें हमारी इस पर। थोड़ा सा कीवर्ड डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैट्रिसेस होती हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, सबसे पहले तो कीवर्ड डिफिकल्टी का परसेंटेज ये दिखा दे रहा है। चलिए कुछ और भी आप टाइप कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन शूज मैं टाइप करता हूँ एक बार और क्लिक करता हूँ वापस शो डिफिकल्टी के ऊपर, सो यहाँ पर इसका अभी आपको परसेंटेज नहीं दिख रहा है। चलिए शूज के ऊपर केवल आता हूँ मैं, शूज के ऊपर आकर मैं वापस शो डिफिकल्टी करता हूँ, अब यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेंगे, इसके ऊपर डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, ठीक है, एसीआरपी देखते हैं शायद कुछ एरर है इसलिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, कभी कभी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि एसीआरपी पेज यहाँ पर नहीं दिखता है आपको, ठीक है, लेट्स सी कि इसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी, सो हियर इट इज, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है अभी इसलिए नहीं काम कर रहा है, एनीवेज इस तरीके के टेक्निकल इश्यूज होते रहते। सो ये आप एसीआरपी के बेसिस पर भी देख सकते हैं। एड हिस्ट्री का सेक्शन बचा हुआ है इसमें कीवर्ड एनालिसिस में, बाकी आपको देखना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो आप ट्रायल पैक लेकर भी इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी
कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे टूल्स किस तरीके से काम करते हैं। बाकी बीच बीच में थोड़े से आपको बुलेट पॉइंट्स कहूं या मैं टिप्स ट्रिक्स बताऊं तो वो बताता रहता हूं, तो वीडियोस को पूरा एंड तक देखेंगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एड सिस्टम में हम जाते हैं तो ये थोड़ा सा जो है डिफाइंड है केवल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहाँ पर भी हम एक कीवर्ड एंटर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। इसको यूएसई रखते हैं, एक बार देखते हैं क्योंकि इंडिया को लेकर हम लोगों ने अभी थोड़ी सी रिसर्च की है। एक बार यूएस वाले देखते हैं हम लोग, जो पीपीसी मॉडल्स हैं उनके ऊपर थोड़े से ज्यादा आपको रिसर्च करने को मिल जाती है। मैं इस कीवर्ड को चेंज करता हूँ, एक बार शूज डालता हूँ, शायद वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है अभी। डेटाबेस यूएस है, डिवाइस डेस्कटॉप है, ठीक है, यूएसडी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड ऐड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इस जो ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इसके ऊपर कौन कौन से डोमेन रैंक कर रहे हैं, उनका एड्स का ट्रैफिक कितना है, उनके एड्स के ट्रैफिक का प्राइस कितना है, तो बहुत डिटेल चीज है। कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ठीक है, और किस मंथ में कौन सी पोजीशन उनकी बनती है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मैं 2019 और यहाँ पर ये जून है ना, यहाँ पर दो इनके जो है दो एड्स रैंक कर रहे थे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको उनका एड भी दिखाई देगा, ठीक है, कि उनका जो एड कॉपी है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी आपको। तो ये थोड़ी सी ज्यादा चीज हमको मिल जाती है जो आरएफ में उतना डिटेल में हमें नहीं मिल रही थी, यही पॉइंट मैंने शुरुआत में भी आपसे मेंशन किया था, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत जो है आप उस टाइप की भी रिसर्च कर सकते हैं कि एड्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं किसी कीवर्ड के ऊपर, राइट। सो ये कीवर्ड एनालिसिस का सेक्शन है, ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, एड हिस्ट्री और कीवर्ड डिफिकल्टी, ये चार चीजें हैं। और चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू के ऊपर आते हैं और एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं क्या क्या था ओवरव्यू में। तो क्योंकि ये शूज वाला ही सिलेक्टेड था, तो आप देखेंगे आप कीवर्ड से जो सजेशन है शूज के कितने ज्यादा, और इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी, वो भी बहुत हाई है, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स दिए हुए, सारे के सारे ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स यहाँ पर दिए हुए, और एक्सपोर्ट करना चाहे तो सभी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स यहाँ पर सही देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये फ्यू व्यूफुल रिपोर्ट है तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कीवर्ड एनालिसिस का जो सेक्शन है एसईएम रश, जो कीवर्ड एनालिसिस का जो सेक्शन है एसईएम रश में, वो काम करता है। बाकी अगर आप देखें तो टूल्स को भी इन्होंने सेपरेट डिवाइड कर रखा है, जैसे एसईओ टूल किट्स अलग है। अभी मैंने क्या किया था, अभी क्योंकि हम लोग बाई डिफॉल्ट ऑल टूल्स पे थे तो सारे सेक्शन हमें दिखा रहा था, अदरवाइज इसके पास सेक्शन है। एसईओ टूल किट अलग है, एडवर्टाइजिंग अलग है, सोशल मीडिया अलग है, कंटेंट मार्केटिंग अलग है, कॉम्पिटिटर रिसर्च की अलग है। जैसे एडवर्टाइजिंग के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ज्यादा आप देखेंगे जो पीपीसी मॉडल की मैट्रिसेस को एनालाइज करने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है वही सारी आपको यहाँ पर दिखेंगे। कीवर्ड गैप क्या, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इनके ऊपर भी आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है एसईएम रश भी, जिस तरीके से आरएफ होता है। अब आरएफ की थोड़ी सी जो हाइप ज्यादा है उसको ज्यादा लोग बात करते हैं उसके बारे में, बट एसईएम रश इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। बट मैं किसी भी टूल को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी टूल के लिए कोई पेड स्पॉन्सरशिप या वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जनरल सा एक ओवरव्यू कर रहा हूँ, केवल एक जनरल सा वॉक थ्रू कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि टूल्स की कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे टूल्स में। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अ वेरी गुड बाय।